तुनिशा शिजान की लाइफ से जुड़े कुछ अनसुने किस्से। जानिए कब हुई थी पहली मुलाकात। परिवार के बीच हो रही है तूतू मैं। तुनिशा शर्मा दुनिया को अलविदा कह चुकी हैं, लेकिन जाते जाते उन्होंने कई सवालों को पीछे छोड़ दिया है। उनके को एक्टर शिजान खान पर तुनिशा की मम्मी ने कई आरोप लगाए, जिसके बाद पुलिस ने शिजान को अरेस्ट कर लिया। ऐसे में हर कोई जानना चाहता है दोनों के रिश्ते से जुड़ी कुछ अहम जानकारी। चलिए आपको बताते हैं तुनिशा शर्मा और शिजान खान से जुड़े 10 अननोन फैक्ट्स। तुनिशा शिजान की पहली मुलाकात अलीबाबा दास्ताने काबुल के सेट पर हुई थी। दोनों मॉक शूट के दौरान मिले थे, तब दोनों ने एक दूसरे से खास बातचीत नहीं की थी। तुनिशा शिजान के बीच करीबी लद्दाख की ट्रिप के दौरान बढ़ी। दरअसल अपने शो के शूटिंग के दौरान तुनिशा शिजान के कैरिंग नेचर से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी और दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी थीं। तुनिशा शिजान के फैमिली से काफी क्लोज थी। शिजान की बहन फलक से तुनिशा की खास बॉन्डिंग थी। फलक तुनिशा को अपनी छोटी बहन मानती थी और फलक के जन्मदिन पर भी तुनिशा शिजान के घर पर दिखाई दी थी। तुनिशा ने शिजान के बर्थडे पर गिटार गिफ्ट किया था, जिसका वीडियो शिजान ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया था। तुनिशा की मम्मी ने यह दावा किया था कि ब्रेकअप के बाद शिजान ने तुनिशा को थप्पड़ मारा था और तुनिशा अपने साथ हुए इस हादसे के बाद टूट गई थी। एज पर रिपोर्ट्स, पुलिस संग बातचीत में शिजान ने अपने और तुनिशा के रिश्ते पर बात करते हुए बताया कि धर्म और एज गैप की वजह से उन्होंने तुनिशा संग ब्रेकअप कर लिया था। तुनिशा की मम्मी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि शिजान तुनिशा को धोखा दे रहा था। वो तुनिशा के साथ रिलेशनशिप में रहने के बावजूद भी किसी और लड़की को डेट कर रहा था, जिसके बारे में तुनिशा को भनक लग गई थी। तुनिशा की मेड ने यह दावा किया था कि तुनिशा के घर शिजान आया करता था और वो 3-4 दिन तक तुनिशा के घर पर भी रुकता था। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस को तुनिशा के रूम से एक नोट मिला था, जिसमें लिखा था, "He is blessed to have me as a co-star." वहीं पुलिस ने शिजान तुनिशा के 250 पेजेस व्हाट्सएप चैट्स रिकवर किए हैं। तुनिशा की मम्मी ने यह आरोप लगाया था कि शिजान की फैमिली तुनिशा को हिजाब पहना रही थी और उन्हें उर्दू सिखा रही थी, पर इन आरोप को खारिज करते हुए शिजान की बहनों ने क्या कहा था, डालिए उस पर एक नजर। तुनिशा से मेरा बहन का रिश्ता था, भले ही खून का रिश्ता नहीं था, लेकिन एक एहसास था, एक बॉन्ड था जो हमने बहुत अच्छे से शेयर किया है। मैं उससे मिली थी इनके शूट पे, जब हम लोग लद्दाख गए थे, मैं पहली बार उससे मिली थी एयरपोर्ट पे। तब से लेके अब तक मेरा उससे बड़ी बहन का रिश्ता था, उसको तकलीफ में हम नहीं देख सकते थे किसी भी कीमत पर, उसमें चाहे शिजान हो, चाहे मैं हूँ या मेरी मदर हूँ। हिजाब, दरगाह, ये कहीं से कहीं तक उठता ही नहीं सवाल, क्योंकि हम जो भी अपना रिलीजन मानते हैं वो हमारी पर्सनल चीज़ है, हमारी पर्सनल स्पेस में होता है। हम उसके लिए यहाँ पे किसी को फोर्स नहीं करते, ना हमारा राइट है किसी को फोर्स करना, ना ही हम पब्लिक में दिखाते, ना ही हम पब्लिक में दिखाते हैं सबके सामने। आप लोग हमें सालों से जानते हैं, हमारी पूरी लाइफ आप लोगों के सामने खुली किताब की तरह है। अब बात आती है कि उसको हमने फोर्स किया या उसका वो जो हिजाब लेने वाला फोटो जो सर्कुलेट हो रहा है, वो शो का फोटो है, शो की शूट का फोटो है। उर्दू सिखाना, हम जब मायथो करते हैं, इसने मायथो किया है, मैंने मायथो किया है, हम भी तो हिंदी बोलते ही है ना, शुद्ध हिंदी। हम जब 12-13 घंटे एक कैरेक्टर में शो में रहते हैं, एक आउटफिट में रहते हैं, हम 25-30 दिन हम शूट करते हैं, तो वो बहुत नेचुरली हो जाता है कि हम वो लैंग्वेज बोलने लग जाते हैं। और किसी लैंग्वेज का रिलीजन से क्या लेना देना है, हम इंडिया में रहते हैं, इतनी सारी भाषाएं हैं, तो लैंग्वेज बोलना, रिलीजन एक्सेप्ट कर लेना या कन्वर्ट हो जाना प्रूफ नहीं करता है। फर्स्टली दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग अजम्पशन। और रही बात हिजाब, वो शैलेंद्र जी क्लियर कर चुके हैं, रिलीजन बहुत
पर्सनल होता है और हम किसी को कभी फोर्स नहीं कर सकते हैं, ना ही करेंगे। और हम जो भी करते हैं वो हम अपनी पर्सनल लाइफ में करते हैं, हम सब चीज़ें सोशल मीडिया पर नहीं डालते हैं। करेक्ट करेक्ट। और आप लोग कहाँ रिलीजन पे अटके हुए हैं, यहाँ पे मेंटल हेल्थ का सवाल है। वेल, सच क्या है और झूठ क्या है ये जानने के लिए तुनिशा के फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। क्या कहना है आपका हमारी इस खास रिपोर्ट को लेकर, बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। एंड ऑल्सो डू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू टेली मसाला ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब।